मैं एक रिज़ॉर्ट में आया हूँ इंडिया में क्या मज़ा आता है यहाँ पे जो सर्विस मिलती है आपको ये चीज़ें आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगी आप कहीं पर रिजॉर्ट में गया हूँ अच्छा मैक्सिको के रिजॉर्ट्स में अगर आप जाते हो तो आपको एटी नाइनटी परसेंट इंडिया वाली की कहा जाती है खाना उनका होता है खाना नहीं मिलता आपको देसी लेकिन बाकी काफ़ी सारी अमूनिटीज़ इस तरह से मिल जाती हैं और यू नो इवन वन टू डॉलर इज़ गोज़ अ लॉन्ग वे अमेरिकन रिजॉर्ट में जाओगे हवाई वगैरह में या अमेरिका किसी भी जगह में वो आपको शिट ट्रीटमेंट ही देंगे ठीक है ना मैं कुछ रिजॉर्ट्स में रहा हुआ मैं एक रिज़ॉर्ट में रहा था एक बार वहाँ पे ये जो जेनिफर लोपस भी वहाँ रही थी एक बार मतलब दैट्स हाउ दैट्स अ आटी मतलब प्रसिजियस मतलब वो वहाँ पर सारी सेलिब्रिटीज रहते हैं वन ऑफ टॉप मोस्ट ही है हवाई में उसके ऊपर कोई जगह नहीं सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर्स फॉर फाइव डेज की कोटेशन थी तो उसके अंदर उसके अंदर जब मैं रहा था तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि दिए टू कंसिडर मी दिस थिंग बट वहाँ पे फिर आपको 20 20 डॉलर टिप देनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों की एंड आई यूस टू क्योंकि उसका रीजन है देखो हमते हैं मैं तो फिर कह रहा हूँ मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑन है सारे मैं आपसे रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बॉस करने नहीं बैठा मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बैठा हूँ कि बीस बीस डॉलर टिप देने के बाद भी वो बात नहीं बनती ये नहीं मिलेगा मैं यहाँ से मैं देखो पहले नीचे बैठा था मेरे को अचानक मैं ये जगह दिखी इन्होंने बताया कि थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है लेकिन दिस इज एक्चुअल हैवन यहाँ से वी व्यू मिलेगा मैं इस व्यू को देखते हुए आप लोगों से बात कर रहा हूँ ठीक है एंड एंड uh, इसने खुद ही चेयर उठा के कहता था मैं ऊपर ले आता हूँ सर क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना आ, मैंने कहा अभी डस्ट तो नहीं था डस्ट कोई नहीं है लेकिन आप ऊपर बैठ सकते हो आराम से क्या मज़ेदार चीज़ है ये चीज़ें आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगी मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये रॉयल लाइफ है इस कंट्री की शहनशाह वाली लाइफ है इसको आप हाँ अगर आप अमेरिका से आके यहाँ पर स्प्लर्ज करते हो पैसे फिर तो बहुत पैसे ऐसे फेंको ऐसे फेंको कोई टेंशन नहीं है लेकिन ये आप फिर दो या तीन हफ़्ते कर पाओगे और धीरे धीरे अमेरिका से इंडिया आना मुश्किल होने लग जाता है फोटीज के मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ फोटीज़ के बाद अमेरिका से इंडिया आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे बुच्चे हो जाते ना खर्चा बहुत होता है अब तो मैं सच सा बता रहा हूँ खर्चा बहुत होता है यस yes. पर चलिए अभी मैं जैसे ये बताना चाह रहा था कि यू कैन लिव अ किंग स्टाइल लाइफ इन इंडिया यहाँ पर अमेरिका में आपकी शहनशाह वाली लाइफ कभी भी नहीं बनेगी अब जितना मर्जी खर्च लो हाँ वन सीन अवेल वन यू गो टू मतलब मैक्सिको जाना और बच्चे पता नहीं क्यों मैक्ो जाना पसंद नहीं करते बट चलो दैट्स दैटर सॉरी लेकिन बड़े बड़े तौर पर जब मैक्सिको जाते हो तो हाँ फिर से आपको मिल जाती है लेकिन फिर देसी खाना नहीं मिलता एक दो क्रूज़ में था वहाँ पे थोड़ा सा मैंने वहाँ पे नॉमिनल प्राइस पे थे ट्वेंटी डॉलर्स मैंने टिप टिपका रखा है टेन डॉलर्स मैंने टिपका रखा था तो मेरा चल गया बढ़िया टेन डॉलर्स तक टिप चलती है क्रूज़ के अंदर वहाँ पे मुझे एक देसी कुक मिल गया था और वो बंदा मेरे हिसाब से हर बारी देसी खाना बना के दे देता था माई वाइफ एंड माई किड्टेड वंस इन अ वेल देसी खाना सो so हैप्पी मैं ऑलवेज देसी 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 खाना खाना तो मैं बड़ा खुश था तो ऐसी जगहों की लिस्ट कभी बनेगी तो धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कहाँ कौन सा चीज़ ले सकते हो और आपको देसी मज़ा आ जाएगा ठीक है ब्रेड द एंड ऑफ अ डे क्योंकि अमेरिकन सिस्टम तो ये नहीं है ना जब सिस्टम को कोई चीज़ पार्ट होती है अलग बात है वहाँ पे वो कुक की शायद नौकरी होगी शायद दो साल का कॉन्ट्रडो तीन साल का कॉन्ट्रोल हो ही ना वहाँ पे क्या कौन कह सकता है कोई सिस्टम थोड़ी है कि उन्होंने बड़े प्लानिंग से रखा है कि एक देसी कुक रखो ठीक है ना तो हु नोज अगर उन्होंने रखा हुआ तो दैट मीज इट्स इन तो दैट्स गुड फिर आपको हर बार सबको मिलेगी सर्विस आज ट्वेंटी की बात हो रही है मैंने लिया सेंटी एटी ने लिया मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ट्वेंटी एटी में लिया था हाँ बिफोर हाँ हाँ यूर नहीं ट्वेंटी में लिया था लॉन्ग टाइम बैक तब देखो छः साल में पता नहीं क्या चेंज हो गया चलिए ऑल दिस थिंग्स अ पार्ट ऑलवेज रिमेंबर शहनशाहों वाली लाइफ छोड़कर आप इंडिया में अमेरिका में सिर्फ अपना बेफू बनाने जा रहे हो थैंक यू